नमस्कार, स्वागत है आपका भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम विनोद कुमार बौद्ध है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीचिंग प्रोसीजर में बोल पार्ट, बोल मेथड और पार्ट बोल मेथड, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल मेथड की। व्हाट इज बोल मेथड? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का आपका ये यूनिट 2 का पार्ट है। व्हेन स्किल इज टॉट एज बोल विदाउट स्प्लिटिंग इनटू पार्ट इज नॉन एज बोल मेथड। व्हेन स्किल इज टॉट एज बोल विदाउट स्प्लिटिंग इनटू पार्ट इज नॉन एज बोल मेथड। क्या है? जब कौशल को हम पूरे भाग में विभाजित करते हैं, तो इसे हम संपूर्ण विधि कहते हैं या संपूर्ण विधि के नाम से जानते हैं। द स्टूडेंट आर इनकरेज टू डू द बिगनिंग। छात्रों को शुरुआत करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए इस पार्ट का हम उपयोग करते हैं ज़्यादातर। जैसे कई गेम हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जंप को हम क्या कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जंपिंग एयर में है, उसे हम पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो हम उसे पूरे भाग में विभाजित करते हैं, पूरा एक रिदम में 1 2 3 तुरंत स्टेप, क्योंकि उसका तुरंत होता है क्विक मोशन। जितने भी स्पीडली गेम हैं, फास्ट गेम हैं, टफ गेम हैं, उनको हम इस पार्ट के अनुसार ले जाते हैं। डाइविंग को हम इस पार्ट में सिखाते हैं। सो क्या है बोल मेथड? व्हेन स्किल इज टॉट एज बोल विदाउट स्प्लिटिंग इनटू पार्ट इज नॉन एज बोल मेथड। जब कौशल को पूरे भाग में विभाजित किया जाता है तब उसे संपूर्ण विधि कहते हैं, और छात्रों को शुरुआत में सिखाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दूसरा मेथड है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट मेथड। पार्ट मेथड क्या है? व्हेन इस पार्टिकुलर एक्टिविटी इज ब्रोकन और डिवाइडेड इनटू द सम मीनिंगफुल पार्ट। व्हेन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी इज ब्रोकन और डिवाइडेड इनटू सम मीनिंगफुल पार्ट इज कॉल्ड एज पार्ट मेथड। जब किसी विशेष गतिविधि को किसी सार्थक भाग में विभाजित किया जाता है तो उसे हम भाग विधि कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे वॉलीबॉल का कोई स्किल है, वॉलीबॉल का एक स्किल ले लीजिए टेनिस सर्विस। हमें किसी प्लेयर को टेनिस सर्विस सिखानी है, तो टेनिस सर्विस सिखाने के लिए हम उसे तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा स्टांस पोजिशन, कि हमें उसमें कहाँ से टेनिस सर्विस करनी है, तो उसमें खड़ा कैसे होना है, बॉल का हमारा ग्रिप क्या होगा, बॉल को हम कैसे हिट करेंगे, उसका ग्रिप किस जगह पर, किस पोजिशन पर खड़ा रखना है, बॉल को रखना है। ये आपका कहे में आएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बॉल का आएगा एग्जीक्यूशन। सेकेंड पार्ट रहेगा आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपको कैसे बॉल को हिट करना है, बॉल को मारने के बाद बॉल कहाँ जाएगी वो थर्ड पार्ट में है, लेकिन बॉल को कैसे हिट करना है, उस पर कौन सा लॉ काम करेगा, बॉल को हिट करते समय कौन सी मसल्स आपकी प्रॉपर वर्क करेगी, किस जॉइंट से आप प्रोसेस करेंगे, ये सब आपका सेकंड पार्ट में आएगा, जिसे हम प्रोसीजर पार्ट बोलेंगे। थर्ड पार्ट आपका आएगा, इसको हम बोलते हैं फॉलो थ्रू पार्ट में हम बॉल को जब हिट करेंगे तो बॉल हिट करने के बाद जो पार्ट होता है हिट करने के बाद, यानी फॉलो थ्रू, उस वो पोजिशन आपकी क्या बनेगी, हिट करते समय बॉल को हिट करते समय पोजिशन क्या बनेगी, उस पार्ट को हम
डिवाइड करते हैं, इन तीन पार्टों में डिवाइड कर लिया, इसको हम बोलते हैं पार्ट मेथड। पार्ट मेथड में हम बड़े इजीली रूप में, बड़े सरल तरीके से किसी भी गेम की कोई भी स्किल को हम प्लेयर को सिखाते हैं और प्लेयर उसे आसानी से सीख सकता है, इसे हम बोलते हैं पार्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका वोल पार्ट वोल मेथड। वोल पार्ट वोल मेथड क्या है? इन दिस मेथड ए फुल एंड क्लियर कट कंसेप्शन ऑफ द होल एक्टिविटी इज गिवन एट द आउटसेट। इन दिस मेथड ए फुल एंड क्लियर कंसेप्शन ऑफ द होल एक्टिविटी इज गिवन एट द आउटसेट, देन द एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू इट इज मीनिंगफुल पार्ट और थॉट। Then activity is divided into its meaningful parts and thought. इस विधि में संपूर्ण गतिविधि का एक पूर्ण और स्पष्ट कटआउट या प्लान हम तैयार कर लेते हैं, फिर उस गतिविधि को उसके सार्थक भाग के रूप में, जिसमें मीनिंग निकलेगी क्यों करा रहे हैं, सार्थक भाग के रूप में, विचारों के रूप में हम उसे विभाजित कर लेते हैं और अभ्यास के दौरान इन कौशल का अभ्यास हम खिलाड़ी से करवाते हैं पूरे पूरे उसका, इसको हम बोलते हैं होल पार्ट होल मेथड। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस स्किल बाय प्रैक्टिस द प्लेयर प्रैक्टिस द गेम एज होल, दिस मेथड इज हाईली रिकमेंडेड टू टीच ए मेजर गेम। हम जब किसी भी मेजर गेम को खास तौर से रिकमेंड करते हैं, जब अच्छे मेजर गेम को रिकमेंड करते हैं, तब हम इस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लेसन प्लान सिखाते हैं, स्पेसिफिक लेसन प्लान लेते हैं जब, तो स्पेसिफिक लेसन प्लान लेते समय होल पार्ट होल मेथड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कि होल पार्ट होल मेथड का यूज़ करने के लिए हम जब 45 मिनट के लेसन प्लान को डिवाइड करते हैं, 45 मिनट के लेसन प्लान को हम डिवाइड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पार्ट हम जैसे मान लीजिए रख देते हैं 5 मिनट का असेंबली पार्ट रख दिया हमने, 12वें अप है उसमें, उसके बाद फिर 12वें अप के बाद आप परमिशन भी उसी में करते हैं टीचर से, कोच से, फिर उसके बाद है आपका गेम पार्ट जिसमें आप स्किल का कोई इवेंट या किसी गेम का कोई स्किल आप सिखाते हैं, उसे भी पार्ट वाइज सिखाते हैं जो मैंने आपको पार्ट मेथड में बताया है। फिर आप उसके बाद लीड अप एक्टिविटी में आते हैं, तो उसी गेम से रिलेटेड पूरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ताकि बच्चे इंटरटेन हो सकें और गेम भी सीख सकें साथ में, तो लीड अप एक्टिविटी का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइम डिवाइड करते हैं। फिर देन रीअसेंबली आपका आता है जिसमें कंक्लूजन पार्ट रहता है आपका, बच्चों को जो समझ में आया आप उनसे पूछते हैं कि क्या समझा क्या सीखा। देन आपका लास्ट जो पार्ट आता है वो उसको आप टाइमली डिवाइड कर देते हैं, उसमें आप कमांड देके क्लास को डिसमिसल देते हैं, उसे डिसमिसल पार्ट भी बोलते हैं। और इस तरह से आप लेसन प्लान में स्पेसिफिक लेसन प्लान लेने के लिए, किसी एक गेम को सिखाने के लिए होल पार्ट होल मेथड का उपयोग करते हैं। इस तरह से ये टीचिंग प्रोसीजर के तीन मेथड थे जो मैंने आज आपको बताए। धन्यवाद।